हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, तो डाइपोल के कारण से कैसे पोटेंशियल बनते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बनते हैं, वो आज हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पहले हमको ये जानना है व्हाट इज डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल ये चीज़ है जहाँ पर छोटे डिस्टेंस में दो अपोजिट चार्ज को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, चार्ज को रखा जाता है कोई डिस्टेंस को सेपरेट करके, तो उसको डाइपोल बोलते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो डाइपोल है, वही डाइपोल की बात की है यहाँ पर, वो डाइपोल है। तो डाइपोल के कारण से कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनते हैं, यहाँ पर तीन केस है। एक है एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है, एक है इक्वेटोरियल लाइन प्लेन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है, और थर्ड नंबर है एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो इसमें नंबर वन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये है हमारा नंबर वन केस। तो नंबर टू में इक्वेटोरियल आएगा, नंबर थ्री में एट एनी पॉइंट आएगा। तो पहले हम नंबर वन को, अब हम कंसिडर करेंगे डाइपोल। डाइपोल तो हमको पता है, फर्स्ट चैप्टर में किया है। डाइपोल वही लेंथ वाला डाइपोल जिसका लेंथ 2a होता है, वही डाइपोल है। तो यहाँ पर डाइपोल कंसिडर करते हैं, ये डाइपोल है, वी कंसिडर डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसका डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, सो टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। अब हमको ये बात समझना है, इसका सेंटर भी हमको चाहिए, डाइपोल का सेंटर जिसको ओ, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये मिड पॉइंट डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, जहाँ से ये ए और ये ई होता है, ये ओ है। अब हमको देखना है, ये तो डाइपोल हो गया, इसके एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसका एक्सियल पॉइंट ये हम कंसिडर करते हैं, वो एक्सियल पॉइंट है पी, ये पी एक्सियल पॉइंट, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम फिर भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिटवीन दिस चार्जेस देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। बिटवीन टू चार्जेस देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इस इन बिटवीन दिस टू चार्ज वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। खाली इसी एक पॉइंट का मतलब पोटेंशियल निकालना है, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, वो लगा लेते हैं एट पी, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, वो करते हैं। तो पहले हमको मेंशन करना है ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर मानते हैं, वी कंसीडर डाइपोल, दिस इज ए एंड बी। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस,
पहले निकालेंगे एपी, एपी कितना होगा, आर प्लस ए होगा, एपी इज आर प्लस ए, ये आर हो गया और ए जुड़ गया तो आर प्लस ए हो गए। एंड बीपी, बीपी कितना होगा, बीपी होगा आर माइनस ए, आर माइनस ए हो गया, ये बीपी हो गया। तो ये कंसीडरेशन केस मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप भी ले सकते सकते। तो वी कंसीडर डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, वी विश टू कैलकुलेट अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऑफ एट पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट पी ऑफ द डाइपोल, बस इतना ही लिखना है। तो ये डिस्टेंस मेंशन करना है। तो ए पी इक्वल्स टू, ए पी हो गया आर प्लस ए और बी पी हो गया आर माइनस ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू इज वी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए, आर माइनस ए, क्योंकि प्लस क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेंशन करना है वो है आर माइनस। पहले हम बी पी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले बी पी लिखते हैं उसके बाद ये वैल्यू डालने से हो जाएगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, इसको इक्वेशन नंबर वन बोलते हैं। फिर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू इज, इसको लिखते हैं वी माइनस क्यू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस ए, ये माइनस क्यू हो गया। तो माइनस क्यू के कारण से पी में नेगेटिव पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण से पी में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देगा तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पॉइंट पी ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम होल केस में आएंगे, डाइपोल को केस में आएंगे। ये इंडिविजुअल केस था, प्लस चार्ज ने क्या पोटेंशियल दिया और माइनस चार्ज ने क्या पोटेंशियल दिया। अब होल डाइपोल के केस में आएंगे तो क्या पोटेंशियल होगा, तो वहाँ पर होगा टोटल पोटेंशियल वी इक्वल्स टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू हो गया। ओके, तो वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो v इक्वल्स टू v प्लस क्यू कितना है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस ए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो वी इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन होगा। तो यहाँ पर बाकी रहा वन बाई आर माइनस ए, माइनस इंटू प्लस इज माइनस वन बाई आर प्लस ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे, वी इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
एलसीएम होगा आर माइनस ई इंटू आर प्लस ई, ये एलसीएम हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आर प्लस ई को, यहाँ लाएंगे आर प्लस ई माइनस ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आर माइनस ई, आर माइनस ई। तो वी इक्वल्स टू क्यू बाई फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा आर प्लस ई प्लस इंटू माइनस माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस ई डिवाइडेड बाई आर माइनस ए को भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको काट देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो प्लस करने से ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, वो चीज है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो सिंस since P equals to, it is represented by P, electric dipole moment is represented by P, P equals to Q into 2A, so therefore V equals to P by 4 pi epsilon naught 1 by R square minus A square हो गया। तो ये था electric potential at an axial point of a dipole, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वन लिख दीजिए, यहाँ पर पी लिखने से हो जाएगा। अब हम इसके स्पेशल केस में जाएंगे, फॉर शॉर्ट डायपोल। फॉर, अगर डायपोल बहुत छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल इनकेस ऑफ शॉर्ट डायपोल क्या होगा, इनकेस ऑफ शॉर्ट डायपोल A is less than R होगा। यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल की केस में, इनके सब शॉर्ट डाइपोल A स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A को इग्नोर कर सकते हैं, तो वी कैन इग्नोर A, देयरफॉर हम लिख देंगे एज्यूमिंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ए स्क्वायर को जीरो मान लेते हैं क्योंकि छोटा डायपोल है, तो देयरफॉर अब हम करेंगे वी इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। तो हमारा वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज था वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर था, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो वो हो गया वन बाई आर डिपेंडेंट, ये हो गया वन बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। नेक्स्ट डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। थैंक यू।